की मोटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीष ओली और आज मन्नू की मोटर पहुंची है दिल्ली, दिल्ली के कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। यहाँ आप बस, ऑटो या फिर मेट्रो से भी पहुंच सकते हैं। कुतुब मीनार परिसर में प्रवेश के लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा, जिसका काउंटर बाहर बना हुआ है। साथ ही सामान रखने के लिए क्लॉक रूम की भी व्यवस्था है। परिसर में कुतुब मीनार के साथ ही आपको अतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा आदि भी देख सकते हैं। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू व बौद्ध मंदिरों का स्थापत्य एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि यह परिसर 27 हिंदू व बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर बनाया गया था। खासतौर से कुवतुल इस्लाम मस्जिद के खंभों में इसके अवशेष साफ देखे जा सकते हैं। कुतुब मीनार ईंटों से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। आधार में इसका व्यास 14.32 मीटर और सबसे ऊपर लगभग 3 मीटर है। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह एक 5 मंजिली इमारत है, जिसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर मलोदी आदि शासकों ने पूरा किया। देश विदेश के पर्यटक कुतुब मीनार को देखने हर साल यहां आते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि खंडर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी, तो भारतीय इतिहास में जो है मुगल काल का इतिहास जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, और ये इमारतें जो कुतुब मीनार है या और भी इमारतें मुगल काल की हैं, ये बताती हैं कि उस समय स्थापत्य कला और वास्तुकला कितने अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और मुगलों ने जजिया करके रूप में यहाँ से लूटा खसोटा जरूर, लेकिन कुछ चीज़ें भी नेमतों के रूप में दिए हैं। वास्तुकला उनमें से एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। तो आप यहाँ आए हैं तो क्या औरों को भी लेकर के आए हैं, कैसे आए? हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तो बच्चों को जो इतिहास किताबों में पढ़ने को मिलता है वो साक्षात उनको देखने को मिलेगा, तो एक एक्सपोजर होता है, उनका ज्ञानवर्धन होता है, और अपने इतिहास को जानने के लिए तो हर एक बच्चे के अंदर उत्सुकता रहती है, इसलिए मैं फैमिली को लेकर आया। पहले तक पर्यटकों को कुतुब मीनार के ऊपर जाने की भी इजाज़त थी, लेकिन 1981 में हुए एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। दरअसल कुतुब मीनार के अंदर बेहद संकरी सीढ़ियां हैं और भगदड़ मचने की वजह से यहां 45 लोगों की मौत हो गई थी। अब आप कुतुब मीनार को केवल बाहर से ही देख सकते हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कुतुब मीनार के पूरे परिसर पर। कुतुब मीनार परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ स्थापित लौह स्तंभ, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। आपको कुतुब
मीनार पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मन्नू की मोटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।